उर्दू खबर के मुअज्जिज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जासूसी दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। किसी भी जासूस को भेष बदल कर दुश्मनों के अंदर घुसना होता है और मालूमात चुरा कर अपने मुल्क भेजनी होती है। ये ऐसा काम है जिसमें हर एक सेकेंड आप मौत के साय में गुजार रहे होते हैं। जासूस मर्दों की कहानियां तो आपने बहुत सारी सुन रखी होंगी, लेकिन अक्सर औरतों की कुर्बानियों का एतराफ नहीं किया जाता या इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। मगर आज की इस वीडियो में हम तारीख की चंद बहादुर जासूस खवातीन का जिक्र करेंगे, जिनकी बहादुरी और हौसले की कहानियां इन्हें दीगर लाखों अफराद में नुमाया करती हैं। इन खवातीन पर तशद्दुद किया गया, गैंग रेप किए गए, गैर इंसानी सजाएं दी गईं, मगर वो साबित कदम रही और दुश्मन उनकी जुबान से एक लफ्ज भी न निकलवा सका। आज की वीडियो देखकर आप दंग रह जाएंगे कि सिन्फ नाजुक आखिर इस कदर बहादुर कैसे हो सकती है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं, मगर इससे पहले आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले जिक्र करते हैं चिंग बैन हुआ का। 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया तो चिंग बैन हुआ मजहमत करने वालों की सफे अव्वल में शामिल थी। उनको गला घोंट कर हलाक किया और हलाकत से पहले उनकी तस्वीर ली गई। ये तस्वीर चीनियों की जानिब से बेखौफ मजहमत की अलामत बन गई। ये तस्वीर एक जापानी फोटोग्राफर ने खींची थी, जिसने लड़ाई के दौरान चिंग बैन हुआ की गिरफ्तारी और कैद के आखिरी लम्हात को फिल्म बंद किया था। इन्हें कैद के दौरान कई मर्तबा इज्तिमाई रेप का निशाना बनाया गया, लेकिन इन्होंने जुल्म के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। तस्वीर में वो मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा रही हैं। इनके बाजू बंधे हुए हैं और वो अपना सर ताने हुए बिला खौफ कैमरे की तरफ देख रही हैं। तस्वीर में इनके इसी अंदाज को 5 मीटर ऊंचे मुदस्मे की शक्ल दी गई है, जो इनके एजाज में नानजिंग शहर में नस्ब किया गया है। ये वही जगह है जहां जापानी फौज ने कम अज कम 3 लाख चीनी औरतों, बच्चों और मर्दों का कत्लेआम किया था। 1938 में जब इन्हें मौत के घाट उतारा गया तो वो 24 साल की थी और 15 बरस की उम्र से ही चीन के लिए जासूसी का काम करती थी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं नूर इनायत नामी खातून के बारे में। इंडियन शहजादी और बरतानवी जासूस नूर इनायत खान 18वीं सदी में मैसूर के मुसलमान हुक्मरान टीपू सुल्तान के खानदान से थी। इनके वालिद इंडियन जबकि वालदा अमरीकी थी। वो मास्को में पैदा हुई और पेरिस में तालीम हासिल की। जुबान पर उबूर की वजह से इन्हें ब्रिटिश स्पेशल ऑपरेशंस के अंडरकवर एजेंट्स में शामिल होने का मौका मिल गया। वो उन बरतानवी जासूसों में शामिल थीं जो नाजी जर्मनी के जेरे कब्जा फ्रांस में पैराशूट के जरिए दाखिल हुए। इन लोगों का मकसद था कि नाजियों की सरगर्मियों को सबोताज किया जाए। फ्रांस में मजहमती तहरीक के साथ तावुन और जर्मन दस्तों की नकलो हरकत पर नजर रखी जाए। नूर इनायत ने रेडियो ऑपरेटर के तौर पर काम किया। वो इतनी खतरनाक जिम्मेदारी लेने वाली पहली खातून थी। नाजियों के हाथों गिरफ्तार होने से बचने के लिए वो अपनी जगह मुसलसल बदलती रहती थी। बिलआखिर एक रोज इन्हें नाजी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनसे सख्त तफ्तीश की गई और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इन्होंने कई मरतबा कैद से फरार होने की कोशिश की, लेकिन ऐसी हर कोशिश के बाद इन पर सख्तियों में इजाफा कर दिया जाता था। कहा जाता है कि इन्होंने कोई भी कीमती मालूमात जर्मनों के हवाले नहीं की, जो इन्हें सिर्फ इनके खुफिया नाम मैडलियन से ही जानते थे। जर्मनों को यह भी नहीं मालूम था कि नूर इनायत इंडियन थी। सितंबर 1944 में नूर इनायत खान और दीगर 3 बरतानवी खवातीन जासूसों को जर्मनी के इलाके दाखाओ के कंसंट्रेशन कैंप में मुंतकिल कर दिया गया, जहां 13 सितंबर को इन खवातीन को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। नूर इनायत खान को इनकी बहादुरी पर ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस और सोने के तमगे के साथ फ्रांस के फौजी एजाज क्रोई डी गोयर से नवाजा गया था। लंदन के गोल्डन स्क्वायर गार्डन्स में इनकी एक यादगार भी नस्ब है। नाज़रीन, अब बात करते हैं ल्यूडमिला पौली यानी डेथ लेडी के बारे में। ल्यूडमिला पौली का शुमार तारीख की कामयाब तरीन स्नाइपर्स में होता है। 1941 में नाजी जर्मनी के सोवियत यूनियन पर हमले के बाद होने वाली जंग के दौरान इन्होंने मुसद्दका तौर पर 309 जर्मन फौजियों को स्नाइपर के निशाने लगाकर हलाक किया। इनका निशाना बनने वाले दर्जनों जर्मन खुद भी स्नाइपर थे, जो चूहे बिल्ली के इस खेल में ल्यूडमिला पौली से हार गए। स्विस्ता पोल और आडिसा के मुहासरे के दौरान इनकी कारकर्दगी की वजह से इन्हें डेथ लेडी यानी मौत की औरत का नाम दिया गया। जर्मन स्नाइपर तो इन्हें निशाना नहीं बना सके, लेकिन वो एक मार्टर से जख्मी हो गई। वो जल्दी सेहतियाब तो हो गई, लेकिन उन्हें मैदान जंग से हटाकर जासूसी के काम पर लगा दिया गया
और सोवियत यूनियन की जंगी कार्रवाइयों में मदद के लिए इनकी शौहरत को इस्तेमाल किया जाता रहा। सोवियत यूनियन की रेड आर्मी के एक नुमाइंदे के तौर पर इन्होंने दुनिया के कई ममालिक का सफर किया और इस दौरान अमरीकी सदर फ्रैंकलिन से भी मुलाकात की। इन्हें सोवियत यूनियन के गोल्ड स्टार हीरो के अवार्ड से नवाजा गया। प्यारे साथियों, अब आपको मिलवाते हैं नैन्सी वेग से। नैन्सी की शख्सियत कई लिहाज से गैर मामूली थी। वो एक मोहलिक जंगजू, बेबाक आशिक, बेखौफ तरीके से शराब पीने वाली और नाजियों की सख्त दुश्मन थी। वो न्यूजीलैंड में पैदा हुई लेकिन इनकी परवरिश ऑस्ट्रेलिया में हुई। वो 16 साल की उम्र में स्कूल से भाग गईं और फ्रांस जाकर सहाफी की हैसियत से नौकरी करने लगी। कहा जाता है कि इन्होंने वहां गलत बयानी करते हुए बताया कि वो कदीम मिस्री जुबान लिखना जानती हैं। वहां इनकी शादी एक फ्रांसीसी सनतकार हेनरी फ्यूका से हो गई और जब 1939 में जर्मन फौजें फ्रांस पर हमला आवर हुई तो वो फ्रांस के शहर मार्से में रह रही थी। नैन्सी वीक फ्रांस की मजहमती तहरीक का हिस्सा बन गई। वो इत्तेहादी अफवाज के हवाबाजों को स्पेन की तरफ जाने में मदद करती थी। जब जर्मनों को इनके नेटवर्क के बारे में खबर हुई तो वो स्पेन के रास्ते बरतानिया फरार हो गई। इनके शौहर फ्यूका फ्रांस में ही रह गए जहां इन्हें नाजियों ने गिरफ्तार करके इन पर तशद्दुद किया और हलाक कर दिया। कुछ अरसे बाद नैन्सी वीक पैराशूट के जरिए एक मरतबा फिर फ्रांस में दाखिल हुई ताकि बरतानवी स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए काम शुरू कर सके। इन्होंने कई खतरनाक कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। इन्होंने एक जर्मन फौजी को अपने हाथों से हलाक करने का दावा किया। 1990 में इन्होंने एक टीवी शो में बताया कि एसओवी में हमें जूडो के वार करने सिखाए गए थे जिसकी मैंने काफी मश्क की, लेकिन वो वाहिद मौका था जब मैंने इसे इस्तेमाल किया। एक मरतबा जब इत्तेहादी अफवाज के कीमती रेडियो कोड लड़ाई के दौरान जाया हो गए तो नैन्सी वीक मुतबादिल कोड हासिल करने के लिए साइकिल पर 500 किलोमीटर का सफर तय करके दुश्मन के इलाके में गई। इस सफर में इन्हें 3 दिन लगे। वो जर्मन फौजियों से मालूमात हासिल करने के लिए खूब बन ठन कर तैयार होती थी। इन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन अखबार से बात करते हुए कहा कि रास्ते के लिए थोड़ा सा पाउडर और हल्की सी शराब काफी होती थी और मैं जर्मन फौजी चौकियों से गुजर जाती थी। उन्हें इशारा करके कहती थी कि क्या तुम मेरी तलाशी लोगे। जंग के दिनों में वो पकड़े जाने से कई मरतबा बाल बाल बची। इनकी बच निकलने की सलाहियत की वजह से जर्मन इन्हें द व्हाइट हाउस कहते थे और यही इस किताब का नाम भी है जो इनकी खुद नवेश है। नैन्सी वीक को कई अवार्ड दिए गए। इनका इंतकाल 7 अगस्त 2011 को 98 साल की उम्र में हुआ। इन्होंने वसीयत की थी कि इनकी राख को फ्रांस ले जाकर बिखेर दिया जाए। नाजीग्रामी, अब जिक्र करते हैं जेन व्याल का। जेन व्याल पैदा तो रिपब्लिक ऑफ कांगो में हुई लेकिन छोटी सी उम्र में ही पेरिस चली गई और जब दूसरी जंगे अजीम शुरू हुई तो वो एक सहाफी की हैसियत से काम कर रही थी। व्याल पेरिस छोड़कर मुल्क के जनूबी इलाके में मुंतकिल हुई तो इन्होंने फ्रांसीसी मजामती तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली। जनूबी फ्रांस उस वक्त तक जर्मनों के मुकम्मल कब्जे में तो नहीं था लेकिन वहां एक कठपुतली हुकूमत थी। जनवरी 1943 में वो पकड़ी गईं और इन पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया। ताहम इनके राज हुकाम की नजरों से दूर रहे क्योंकि इन्होंने अपने डाटा को इतनी अच्छी तरह से कोड किया हुआ था कि इनकी गुत्थी सुलझाई नहीं जा सकती थी। जेन व्याल को पहले तो कंस्ट्रक्शन कैंप में भेज दिया गया लेकिन बाद में खवातीन की जेल में मुंतकिल कर दिया गया, मगर वो फरार हो गई और इस तरह वो जंग से जिंदा बच निकली। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।